Hey guys, welcome to my channel, Yumi and Kaira. So, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी how to massage your baby. Baby का कैसे मसाज करें. Guys, different ways of massage होता है. मैं अपने बेबी को traditional way में मसाज करती हूँ, जो मेरी नानी ने मम्मी के साथ किया, मम्मी ने मुझे और मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज मेरी जुबानी से नहीं, मेरे डियरस्ट हस्बैंड की जुबानी से. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. थैंक यू नेहा. फ्रेंड्स, मैं हूँ यतीश और आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी बेटी कायरा की मालिश ट्रेडिशनल वे में कैसे करते हैं. सबसे पहले अपने बच्चे को अपने पैरों पे कंफर्टेबली लिटाएं और मसाज से पहले ये इंश्योर कर लें कि आप अपने हाथों में कोई चूड़ी या कड़ा ना पहने हों, इससे आपके बेबी को खरोंच लग सकती है. इसके बाद साफ पानी से एक साफ मुलायम कपड़े से बेबी के चेहरे को पोंछें. मालिश के लिए हम यूज करते हैं फिगारो का ऑलिव ऑयल. आप अपनी पसंद का बेबी ऑयल लगा सकते हैं. थोड़ा सा ऑयल लेकर आप अपने हाथों में मलें और बेबी के सीने से लेकर पेट तक ऊपर से नीचे की ओर लगाएं. ऐसा करने पर पेट की हवा निकलने में आसानी होती है. ये एक्शन आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं. अब बारी आती है हाथों की. पूरे हाथ की मालिश अच्छी तरीके से करें, स्पेशली कोहनियों के पीछे अच्छे से रगड़ें. फिर हल्के हाथों से गोल गोल मसाज करें. ऐसा आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं. दूसरे हाथ पे भी ठीक उसी तरीके से मसाज करें. अब अपने दोनों हाथों से बेबी के सीने से लेकर हाथों तक मसाज करें. पैरों की मालिश भी हाथों की तरह अच्छे से करें, स्पेशली घुटनों के पीछे और साइड में. गोल गोल मसाज पैरों पे भी करें. तलवों और उंगलियों की मालिश करने से भी बेबी को काफी आराम मिलता है. दूसरे पैर की भी मालिश ठीक उसी ढंग से करें और 8 से 10 बार रिपीट करें. देखिए मेरी बेटी कायरा कितनी खुश हो रही है. अब अपने पैरों पर बेबी को पेट के बल लिटाएं और पीठ की मालिश शुरू करें. सबसे पहले शोल्डर्स की मालिश अंदर से बाहर की ओर करें. फिर पूरी पीठ को ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हाथों से मरोड़ने के एक्शन पे मसाज करें. कमर की भी मालिश अंदर से बाहर की ओर करें. अब पैरों के पीछे भी अच्छे से रगड़ें. अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, इसमें आपका बच्चा भी खुश हो जाएगा. पहले दोनों हाथों को एक दूसरे से क्रॉस कराइए. दादियां नानियां इसे दतुन बांधो काठी बांधो एक्शन कहती हैं. फिर लेफ्ट पैर को राइट हाथ से क्रॉस कराइए.
अब राइट पैर को लेफ्ट हाथ से क्रॉस कराइए। अब दोनों पैरों को एक दूसरे से क्रॉस कराएं। अब दोनों घुटनों को जोड़कर बेबी के सीने तक ले जाने की कोशिश करें। ऐसा करने से पेट में भरी गैस निकल जाती है। फिर बेबी को पैरों और हाथों से पकड़कर कुछ इस तरीके से झुलाएं। फिर गर्दन के पीछे और सीने के आगे पकड़कर बेबी को इस तरीके से झुलाएं। अब दोनों हाथों से बेबी को हवा में उछालें। इससे बेबी का डर दूर होता है। कायरा को इसमें बहुत मज़ा आता है। देखिए कितनी खुश हो रही है। मसाज खत्म होने के तुरंत बाद बेबी को ना नहलाएं। हो सकता है आपकी बेबी को अब नींद आएगी। उसे आराम से सुलाएं और एक दो घंटे बाद ही नहलाएं। मसाज के बाद अब कायरा को सुलाने की बारी मेरी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, स्पेशली मॉमीज एंड डैडीज। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।